हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट को इसी पर्टिकुलर वीडियो में और एक और वीडियो आएगा उसके अंदर इसको हम खत्म करने का जल्दी जल्दी अब कोशिश करेंगे। जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि PYQ सीरीज, दिस इज अ हार्ड लाइन दैट इज फैब, बट दिस इज March 1st। सो इसको हम बहुत क्विकली और हार्ड एंड फास्ट इसको हम खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो ये आपका चैप्टर है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैट इसका Part 1 आपको अपलोड कर दिया गया है। सो जस्ट वॉच आउट। सो वेलकम टू फिजिक्स, IIT फिजिक्स अड्डा। तो उसके अंदर हम ये सीरीज लेके आए हैं, PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हम इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि इसका Part 1 में बहुत शानदार क्वेश्चन जो कि अब तक का 2015 का और 2017 का वो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपका JEE Advanced 2016 का है। मतलब अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब अपडेट क्वेश्चन है, मतलब हाल फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस भी रहेगा, सिंगल करेक्ट भी रहेगा, ऑल दो प्रॉब्लम इज अ कंप्रिहेंशन टाइप, जो कि अब बहुत ट्रेंडिंग है। कंप्रिहेंशन टाइप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और हाँ, लास्ट में इंटीजर टाइप प्रॉब्लम भी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सारे को एक एक करके हम हिट करने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम से इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं, और ये आपका कुछ ऐसा है ये क्वेश्चन, मतलब इसमें सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इससे। अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर, सो इट इज गिवन एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, इज पैरेलल टू दिस एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस, एंड कैरीज ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा, एंड इट pieces a thin non-conducting, it pieces a, इसका एक piece यानी इसका एक part है। तो ये आपको पूरा cover नहीं दिया हुआ है, बस इतना दिया हुआ है, ये सब कुछ ऐसा दिया हुआ है। So figure is like that, it is given, तो ये उसका एक part है। अब उसके थ्रू आपसे पूछ रहा है, तो ऐसे दिया हुआ है, a infinitely long non-conducting wire, a infinitely thin non-conducting wire is parallel to z-axis, जो कि आपको दिख रहा है कि ये z-axis है, this is z-axis, it is given, it is z-axis and carries a uniform line charge density that is lambda, तो lambda क्या है, uniform charge density, Uniform charge density, that is lambda, it pieces a thin non-conducting spherical shell of radius that is capital R in such a way that this is PQ, PQ sustains an angle that is 120 at the center, तो इसके वजह से सेंटर पे कितना एंगल सबस्टेन हो रहा है, सो दैट इज 120, सो 2π/3, तो सेंटर पे 2π/3 एंगल सबस्टेन हो रहा है ऑफ द स्फेरिकल सेल। और आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल इज दिस, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन में आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज दिस, और सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल, यानी कि जेड कंपोनेंट इसका हमको निकालना है, जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वाले में आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दूसरे वाले में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ये वाला ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन किया,
यहां पे आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज दिस, और लास्ट वाला डी पार्ट आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस शेल एट द पॉइंट, और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ शेल इज ऑल द पॉइंट इज सेम. फर्स्ट वाला पॉइंट में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको क्या क्या निकालना है. सेकेंड वाले में आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फर्स्ट वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और दूसरा में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, और वो भी उसका जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ शेल. तो ये आपका फिगर कुछ ऐसा है. और एप्सिलॉन नॉट क्या है? द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कोई मीडियम नहीं है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है? फ्री स्पेस का परमिटिविटी. अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको क्या कह रहा है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि गिवन है, हर क्वेश्चन में गिवन है कि यहां है आपको, यहां पे एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज परमिटिविटी. और जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे क्या आता है, यहां पे परमिटिविटी आता है, वहां पे आता है आपका परमियाबिलिटी. तो वहां पे देखेंगे वो आपका म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, तो वो आपका क्या होता है, परमियाबिलिटी. ये आपका क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो ये आपका गिवन है. अब थोड़ा सा हम देखें, अब आपको एक चीज और दे दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी. इट हैज इट्स चार्ज डेंसिटी, दैट्स अ लैम्डा. अब लैम्डा का मतलब क्या है? तो ये आपका क्या है, चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ. तो इसी को हम क्या देते हैं, दैट इज लैम्डा. तो लैम्डा आपको दे दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी दे दिया हुआ है. अब इसका हमको वैल्यू निकालना है. थोड़ा सा इसमें हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे. तो ये टोटल लेंथ, ये आपको आर दिया हुआ है, और इसका परपेंडिकुलर यहां से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री. तो यहां से ये बात समझ में आया, ये रेडियस है, ये 90 डिग्री, और ये 120 है, तो ये 60 होगा, और ये भी 60 होगा. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है कि जो एंगल सबस्टेन कर रहा है ये 120 है, तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और सपोज दैट इस पॉइंट को हम एम ले लेते हैं, तो हम क्या किए, सेंटर से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और इसको हम एम ले लिए. तो अब हम इसका लेंथ निकालेंगे. क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए, चार्ज. और हम इसमें, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिस इज बेस्ट ऑन गॉस लॉ पे बेस्ड. इससे शानदार क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता. और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में, ये क्वेश्चन 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया. तो गॉस लॉ का ये शानदार क्वेश्चन है. और गॉस लॉ क्या कहता है, इट सेज कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्योंकि आपको निकालना भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आप पहले ये देखिए कि चार्ज कितना है. चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स. फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स दैट इज इक्वल टू, यहां पे दो फ्लक्स होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. सो ई डॉट ए. तो जब भी आपको निकालना हो, और इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ. अब गॉस लॉ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ही हम समझा देते हैं आपको कि होता क्या है. तो आपको ये पता होना चाहिए चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर चार्ज इनसाइड क्या है, इनसाइड द चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स एप्सिलॉन नॉट. यानी कि हम क्या करते हैं कि चार्ज जो है इनसाइड, हमको पता हो कि उसके इनसाइड बोलिए या इनक्लोज्ड बोलिए, डिवाइडेड बाय दैट इज एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि आपका इस क्वेश्चन में गिवन है. तो ये आपका हो जाता है. यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम तो अब हो गया. तो फिर से हम यहां पर लिखें फाइ, दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए. और याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एनालॉजी आपको देखने को मिला है. यहां पे ई लिखते हैं, वहां पे बी लिखेंगे, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड. सो यहां पे क्या है आपका, ई डॉट ए, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स.
जो कि आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या होता है, हमको चाहिए चार्ज क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात आपको समझ गए, फर्स्ट पॉइंट आपसे यही कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। तो हमको पहले क्या निकालना है, चार्ज इनक्लोज्ड या चार्ज इनसाइड हम निकाल लें और उसको परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो पहले हमको चार्ज निकालना है और आपको दिया हुआ लैम्डा। लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज उसके लेंथ पे। लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा दैट इज नथिंग बट चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू डिवाइडेड बाय एल, यानी कि चार्ज को उसके टोटल लेंथ पे यूवी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम देखें, तो पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। तो इसमें हम क्या यूज किए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ इसका 60 हो जाएगा, हाफ 60 हो जाएगा। तो ये लेंथ अगर हम निकाले एम पी, तो एम पी का अगर हम लेंथ निकालें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको ये लेंथ निकालना है एम पी का, तो क्या लेंगे, तो साइन 60 ले लेते हैं, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर, यानी कि पीएम परपेंडिकुलर पीएम बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री का सामने का, और थीटा के सामने का ये पी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा, और बाकी जो बचा वो बी हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको लेंथ चाहिए। लेंथ क्यों चाहिए, तो लेंथ अगर हमको पता चल जाएगा तो चार्ज निकल जाएगा ना, चार्ज दैट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। और हमको यही तो चाहिए कि चार्ज इनसाइड या इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि फर्स्ट वाले पॉइंट पे पूछा है, तो वो आपका आ जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, चार्ज हमको बस चाहिए, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो चार्ज के लिए हमको क्या चाहिए, चार्ज के लिए चाहिए हमको लैम्डा और एल। लैम्डा तो हमको पता है, जो कि गिवन है, कि लैम्डा जो है इसका क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ये आपका गिवन है। अब लेंथ हमको निकल जाए, क्योंकि आपको हम चाहिए चार्ज, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड दैट इज लैम्डा इनटू एल। लैम्डा आपको क्या दिया हुआ, चार्ज डेंसिटी, उसका लेंथ। लेंथ हम किसी तरह निकाल लें तो हमारा चार्ज निकल जाएगा, और अगर चार्ज निकल गया तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो अब हम चार्ज इसको, चार्ज कैसे निकालें, तो इस ट्रायंगल में हम गए, ट्रायंगल पी ओ एम, ट्रायंगल पी ओ एम में हम गए, और यहां से हम क्या लिए, साइन 60, सिंपली साइन 60 लिए, तो क्या हो जाएगा, पीएम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 90 डिग्री का सामने का, तो R, तो यहां से PM का वैल्यू आपका क्या आ गया, R साइन 60। एग्जैक्टली अगर PM होगा R साइन 60, तो ये वाला ट्रायंगल में, तो एक ट्रायंगल और ले लेते हैं नीचे वाला, सिमिलरली कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। अगर ये 60 डिग्री है सेंटर, मतलब यहां से सेंटर से जो भी जाता है तो परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है और एंगल हाफ हो जाता है, तो टोटल आपका 120 दिया हुआ था, तो 60 60 60 हो जाएगा, टोटल आपको 120 दिया हुआ था, तो हाफ हाफ हो जाएगा, दैट इज 60 60। और ध्यान से देखिए, ये अगर 60 होगा तो फिर इस ट्रायंगल में नीचे वाला ट्रायंगल एम, दिस इज एम ओ क्यू, अब इसमें अगर हम लेते हैं तो क्या लेंगे, साइन 60 अगर हम इसमें भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा एम पी, थीटा का सामने का एम क्यू डिवाइडेड बाय आर, सो एम क्यू का वैल्यू भी आपका क्या आ जाएगा, आर साइन 60। बस हमको क्या, कहीं ना कहीं से हमको लेंथ चाहिए, लैम्डा तो गिवन है, तो लेंथ के लिए यहां से क्या हो जाएगा, आर, तो हमारा टोटल लेंथ यहां से अगर हम लें तो टोटल लेंथ हमको चाहिए, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा चार्ज निकल जाएगा, चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि फर्स्ट वाले पॉइंट वही पूछा। तो ध्यान से देखिए, यहां से क्या आ गया, पीएम का वैल्यू आपका आ गया आर साइन 60, एम क्यू भी आर साइन 60, सिमिलरली ऐसा कह सकते हैं। तो आपका क्या आ गया, टोटल लेंथ, तो लेंथ आ गया, लेंथ को
लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड आ जाएगा। तो इसके अंदर ये स्फेयर है, स्फेयर के अंदर वाले पॉइंट पे आपको ये पता चले चार्ज, तो ये तो आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ये तो आपको दिया हुआ कि ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट इन द सेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं कि ये लाइन बहुत लंबा है, बस इसके रिस्पेक्ट में तो इनफाइनाइट है ना, इसका लेंथ इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैट पर है तो उसमें अगर इनफाइनाइट वर्ड यूज किया है तो इसके मतलब कि दूसरे के रिस्पेक्ट में वो इनफाइनाइट है, यानी कि इसका लेंथ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम किए क्या, तो हम पूरा गॉस लॉ का एप्लीकेशन आपको इस क्वेश्चन से आपको सिखाने का कोशिश करेंगे कि गॉस लॉ क्या कहता है कि चार्ज जब भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ए यहां पे क्या हो जाता है, एरिया वेक्टर, ए दैट इज इक्वल टू एरिया वेक्टर और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि आपसे पूछा भी है। तो चार्ज इन साइड, तो इसके इन साइड इसको हम क्या किए, एक सरफेस से, ये स्फेरिकल सेल से क्या किए, क्लोज्ड कर दिए। और स्फेरिकल सेल से अगर क्लोज्ड किए तो हम ये देखें कि इनसाइड कितना चार्ज है। तो चार्ज के लिए हमको कैसे निकालेंगे, तो चार्ज आपका होता है लैम्डा, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। और लैम्डा क्या होता है, तो लैम्डा सिंपली हो जाता है क्यू डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, चार्ज उसके टोटल, इस लेंथ के चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम पहले चार्ज निकालें, तो चार्ज के लिए लैम्डा और एल, लेंथ निकालना जरूरी था। तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम क्या किए, टोटल आपको 120 दिया हुआ था, यहां से हाफ किए, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सेंटर से, तो सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर होता है वो इसको क्या बाइसेक्ट करता है। तो ये सिंपल ज्योमेट्री है, यहां से परपेंडिकुलर डाले, ये आपका क्या हो, बाइसेक्ट किया, तो इसमें साइन 60 लिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये पीएम, ये टोटल लेंथ हमें चाहिए, कहीं ना कहीं हमको क्या चाहिए, हमको लेंथ चाहिए, और लेंथ को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लैम्डा टाइम्स, तो यहां से चार्ज आ जाएगा। तो लेंथ ये पीएम और एम क्यू, ये टोटल हमको लेंथ चाहिए। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हाफ हाफ किए, साइन 60 ले लिए, तो ये आपका आ गया लेंथ, आ गया मतलब आपका फ्लक्स आ गया, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया, ये लेंथ आपका पीएम, सो पीएम दैट इज इक्वल टू आर साइन 60 एग्जैक्टली एम क्यू, एग्जैक्टली एम क्यू भी वही आ जाएगा, एम क्यू इज, एम क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा आर साइन 60। तो टोटल लेंथ आपका क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो लेंथ आपको आ गया, तो ये आपका टोटल लेंथ अगर हमको चाहिए, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2R साइन 60 लेंथ आ गया, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से चार्ज आ जाएगा, यानी 2R साइन 60 ये क्या आ गया, लेंथ आ गया। तो लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा से, सो लैम्डा इनटू L, तो लेंथ आपका आ गया, तो लेंथ को उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा से, सो मल्टीप्लाई लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि क्या चार्ज को उसके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके लिए अब सिंपल हो गया, साइन 60 टू आर, साइन 60 जैसा कि आपको पता है रूट 3/2 होता है, इनटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट द रिजल्ट दैट इज दिस ऑप्शन, रूट 3R लैम्डा बाय 3, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है, सो ए इज राइट ऑप्शन, तो ए इसका आंसर हो गया। बी आपसे कह रहा है, तो एक ऑप्शन आपका सही हो गया क्या, तो हम क्या किए, लेंथ हम किसी तरह निकाले, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा चार्ज आ गया, चार्ज को एप्सिलॉन से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका, फ्लक्स आ गया, जो कि ऑप्शन ए में यही दिया हुआ है। और यही आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट
गॉस लॉ यही कहता है कि आपको अगर फ्लक्स निकालना है तो उसको क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को इनक्लोज्ड कर लेना है। तो ध्यान से देखिए, लेंथ तो ये बाहर भी जा रहा है, इसके इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे चार्ज तो बाहर भी है, लेकिन बाहर वाला चार्ज किसी काम का नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं चार्ज इनसाइड या चार्ज इनक्लोज्ड। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करें, उस सर्कल को एक स्फेरिकल, एक गॉसियन सरफेस लीजिए जो उसको इनक्लोज्ड करे चार्ज, और चार्ज अगर इनक्लोज्ड आ जाए उसको एप्सिलॉन से डिवाइड कर दीजिए, फ्लक्स आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट यहां से आ गया। अब क्या कह रहा है कि जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ शेल। अब कह रहा है कि इसका जेड कंपोनेंट बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या वो जीरो होगा? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट कौन सा, तो जेड एक्सिस ये है आपका, तो इसका जेड कंपोनेंट अगर निकालें, और वो भी कहां कह रहा है कि एट द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ सेल, इस सेल के किसी भी पॉइंट पे उसका, और उसका जेड कंपोनेंट निकालें तो क्या वो जीरो होगा? और सी वाला पॉइंट अगर ए सही है तो सी तो एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि रूट टू होगा, बिल्कुल नहीं, रूट थ्री आर बाय एप्सिलॉन है, यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। और डी वाई आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस सेल एट द पॉइंट, एट ऑल द पॉइंट। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस सेल एट ऑल द पॉइंट। क्या नॉर्मल होगा सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्या नॉर्मल होगा उसके सरफेस पे, यानी कि इसके ये जो सरफेस है स्फेरिकल सेल इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, फ्लक्स का वैल्यू आपका आ गया रूट थ्री बाय आर बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये होता क्या है, सिंपली ई डॉट ए होता है। अब इसका एरिया अगर निकाल लें, इसका एरिया से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा आपका, और वही आपसे पूछा है अब अगला पॉइंट में, और उसका जेड कंपोनेंट बी ऑप्शन जो कि कह रहा है कि जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ सेल। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और उसका जेड कंपोनेंट क्या होगा, तो सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वायर, नॉन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग वायर, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसका अगर जेड कंपोनेंट की बात करते हैं तो अगर परपेंडिकुलर है तो उसका जेड कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। यस, बी इज राइट ऑप्शन, यानी कि बी भी सही है, सी तो पहले से गलत है, तो ए सही है, बी सही है और सी गलत है, सो ए एंड बी। और लास्ट में डी पॉइंट पे हम आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस सेल एट ऑल द पॉइंट। अब आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप क्या ले लें, सिंपली पॉइंट चार्ज निकाल लें, और पॉइंट चार्ज से तो यहां पे आपको कह रहा है कि नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस सेल ऑफ ऑल द पॉइंट। तो क्या सारे पॉइंट पे नॉर्मल होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, सो डी इज रॉन्ग ऑप्शन, सो ए एंड बी इज राइट वन। तो ए से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले, और दूसरा से आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दर होगा और उसका जेड कंपोनेंट, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है तो उसका जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वायर, सो इट्स जेड कंपोनेंट एट द सर्फेस ऑफ सेल will be zero. So B is right one and A is right one. So A and B is right one. C तो वैसे ही गलत है, और यहां पर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस और शेल एट ऑल द पॉइंट, जो कि आपका गलत है, सो ए एंड बी इज राइट वन।
So it is a beautiful question which is asking JEE 2016. It has more concept, just like electric field, electric flux, Gauss law. इससे आपको Gauss law पूरा का पूरा सीखने को मिला होगा. और electric field जब भी निकालना हो कि electric field का direction क्या है, तो simply आप क्या ले ले, एक test positive charge. तो जब भी आपको electric field पूरा electrostat में निकालना हो, तो आप क्या ले ले, test positive charge. तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, इट इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस सेल एट ऑल द पॉइंट. सो ऑल दो इट्स, और ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2019 का ये क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए चार्ज्ड सेल ऑफ रेडियस दैट इज कैपिटल आर, ए चार्ज्ड सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज ए टोटल चार्ज दैट इज प्लस क्यू गिवन फाई. फाई क्या है, फाई आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो आपको दिया हुआ है ये चार्ज ऑफ रेडियस आर कैरीज ए टोटल चार्ज शेल ऑफ रेडियस आर कैरीज ए टोटल चार्ज दैट इज कैपिटल क्यू इज गिवन फाई एज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई एज ए फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सर्फेस ऑफ हाइट दैट इज h और स्मॉल r. अब यहां पे स्मॉल r दिया हुआ है, रेडियस स्मॉल r विथ इट्स सेंटर, स्मॉल r विथ इट्स सेंटर सेम एज दैट ऑफ द सेल. स्मॉल r उसका रेडियस है एंड विथ इट्स सेंटर सेम एज दैट ऑफ द सेल. Here the center of the cylinder, is a point on the axis of the cylinder which is equidistant from its top and the bottom surface, or epsilon naught is permittivity of free space. और आपको चार ऑप्शन इस टाइप से दिए गए हैं कि आपको कहा है कि एक चार्ज सेल है, यानी कि इस टाइप से चार्ज सेल है, और एक आपको दे दिया हुआ है कि सेम हाइट का एक क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर सरफेस. सो आपको दिया हुआ है फ्लक्स थ्रू ए सेल और फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस, of height h and radius a small r and its same and its center same as that of cell. तो आप ऐसा देखिए, तो एक सिलेंडर है, दोनों का सेंटर सेम है. अब इसका अलग अलग वैल्यू आपसे इस टाइप से पूछा है, ये आपका क्या है, एक शेल है और एक सिलेंडर, दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों का सेंटर यानी को मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम है. ये आपको गिवन है कि इट्स सेंटर इज सेम एज द शेल. हेयर द सेंटर ऑफ सिलेंडर इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ इट, टॉप एंड द बॉटम, यानी कि इक्विडिस्टेंस टॉप से भी है और बॉटम से भी है, बॉटम ऑफ द सर्फेस. और एप्सिलॉन नॉट जैसा कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दिया हुआ है. और चार ऑप्शन एक एक करके आपको क्या करना है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये भी आपका क्वेश्चन जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका क्या था, गॉस लॉ पे बेस्ड था, और ये भी क्वेश्चन आपका मोर और लेस गॉस लॉ पे ही बेस्ड है. तो ए चार्ज सेल ऑफ रेडियस आर, यानी कि एक शेल है जो कि और दोनों का सेंटर सेम है, बस इतना फिक्स है कि दोनों का सेंटर, और ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन जे एडवांस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो ए चार्ज सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिज ए टोटल चार्ज दैट इज ए कैपिटल क्यू. और जैसा कि अभी हम गॉस लॉ के बात कर रहे थे, तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, E डॉट ए. E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, A क्या है, एरिया वेक्टर. सो E डॉट ए
यहां से आपको बात समझ में आ जाएगी कि गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ का दो क्वेश्चन जो कि आपका एक 19 और एक जो पहले किए थे, दोनों गॉस लॉ का एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो हम फिर क्या करेंगे, वही काम। तो ये बराबर क्या होता है, चार्ज इनसाइड या चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड, इनसाइड या चार्ज इनक्लोज्ड, इसको आप लिख सकते हैं क्यू इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एग्जैक्टली वही काम इसमें भी करेंगे। ये क्या, जब भी आपको फ्लक्स निकालना हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, तो हम क्या लिखते हैं कि जब आपको ई फ्लक्स, और ये क्वेश्चन वही आपसे पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पे बेस्ट ये भी क्वेश्चन है, और चार चार ऑप्शन है, और चारों को आपको एक एक करके वेरीफाई करना। और ये क्वेश्चन इसमें हम क्या करते हैं, ई डॉट ए, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, चार्ज क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन यही काम इसमें करेंगे। और आपको क्या दिया हुआ है कि दोनों का सेंटर सेम है, इट्स सेंटर इट्स एज सेम एज शेल, और एक आपका क्या है, सेल है, और दूसरा एक शेल है, और दूसरा क्या है आपका, क्लोज्ड सिलेंडर है। तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि एक प्लस, और आपको निकालना क्या है, फाई, फाई क्या है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ हाइट h, और इसका हाइट क्या दे दिया हुआ है, इट्स हाइट इज h, और इसका रेडियस, इस सिलेंडर का रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ है, इस सिलेंडर का रेडियस आपको दे दिया हुआ है, यानी इट हैज रेडियस दैट इज अ स्मॉल r। कैपिटल R किसका है, तो कैपिटल R रेडियस आपको दिया हुआ है, वो आपका शेल का रेडियस दिया हुआ है, यानी कैपिटल R आपको शेल का रेडियस दिया हुआ है, और स्मॉल R जो है किसका रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है। हेयर द सेंटर ऑफ सिलेंडर इज ए पॉइंट, हेयर द सेंटर ऑफ सिलेंडर इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्विडिस्टेंस, which is equidistance from top and bottom surface, यानी कि equidistance from top and bottom surface, और बाकी epsilon और तो आपको पता ही है। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन को वेरी, तो पहला सिचुएशन आपको ये है कि ये सिलेंडर है जिसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दोनों का एक ही चीज सेंटर सेम है, तो ये आपका स्मॉल आर दिया हुआ है, दैट इज स्मॉल आर, तो ये आपको गिवन है। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका हाइट h जो कि आपको गिवन है, और ये आपको स्मॉल r जो कि दिया हुआ है। तो स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये आपका क्या है, सिलेंडर का रेडियस है जो कि आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे अगर यूजिंग, वी यूजिंग गॉस लॉ, अगर हम गॉस लॉ को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो यहां से अगर हम देखें तो गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, ई डॉट ए, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या है, एरिया वेक्टर, और ये आपका बराबर क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको ये गिवन है, तो इसमें हमको ये देखना है कि चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड कितना है, किसके अंदर, ये सिलेंडर के अंदर। तो सिलेंडर के अंदर तो चार्ज जो कि आपको गिवन है, तो चार्ज सिलेंडर के अंदर क्या है, तो आपको पता है कि प्लस क्यू सो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में आपसे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, h इज ग्रेटर देन 2r, अब ध्यान, तो इसका रेडियस r है, तो h जो इसका हाइट है, किसका हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये आपका क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि आपको स्मॉल h से डिनोट किया गया है। तो ये जब इसमें हम यूजिंग द गॉस लॉ, तो क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है, तो ये आप कब कह सकते हैं, एच इज ग्रेटर देन टू आर, तो इसका डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, आर है, और ये भी आपका आर, तो यहां से हाइट जो है ये टू आर से ज्यादा, यानी एच इज ग्रेटर देन टू आर, और आपको दिया हुआ है कि इसका जो चार्ज होगा, यानी बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि इफ एच इज ग्रेटर देन टू आर, यानी कि इसका जो हाइट है, किसका हाइट, सिलेंडर का हाइट, सिलेंडर का हाइट अगर उसके रेडियस से, उसके डबल से ज्यादा है, देन फ्लक्स, फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, सो बी इज राइट ऑन। तो पहला ऑप्शन तो आपको बहुत इजीली वे में आ गया, तो बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके हम सेकेंड और भी बहुत सारे इसके जो है ऑप्शन जिसको हम वेरीफाई करेंगे, तो ये आपका बहुत फ्लैट सा गॉस लॉ पे ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बेस्ट था। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, सी वाला ऑप्शन देखते हैं, तो बी तो आपका सही था और इसमें हम गॉस लॉ का यूज किया। अब सी वाला ऑप्शन जो कि आपसे कह रहा है कि फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इस केस में तो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि चार्ज जो है इसके सरफेस पे है, इसके सरफेस पे, और ये आपका क्या है, स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है, तो चार्ज इसके सरफेस पे होगा। इस बार जो है सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि यहां पे आपको सी ऑप्शन कह रहा है कि एच इज लेस देन, अब ध्यान से देखिए ये आपका आर है और ये आपका हाइट जो कि आपको कितना दे दिया हुआ है, तो हाइट यानी एच का वैल्यू इस बार एच इज लेस देन 8R/5, तो ये दिया हुआ है तब के केस में, और R का वैल्यू यानी कि इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये आपका क्या है, ये तो आपका हाइट हो जाएगा ना, ये आपका हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, और इस बार कह रहा है कि इसका जो रेडियस होगा, यानी कि ये स्मॉल R, स्मॉल R का वैल्यू आपको गिवन है कि स्मॉल R का वैल्यू आपको गिवन है कि स्मॉल R जो है 3R/5 हो, तब इसका फ्लक्स जीरो होगा। तो क्या ऐसा है, तो सिंपल सा बात है कि R का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, R क्या है, तो इट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो यहां से अगर देखें तो इसका रेडियस आपका क्या है, स्मॉल R जो कि आपको गिवन है, तो R का वैल्यू जो दिया हुआ है 3R/5, तो ये दिया हुआ है, तो यहां से अगर हम निकाल लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज क्यू इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और आर का वैल्यू दे दिया है, तो यहां पे आपका आर का वैल्यू क्या दे दिया हुआ है, 3R/5 है, और एच जो है हाइट, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज लेस देन 8R/5। अब जरा हम देखते हैं कि R का वैल्यू आपको दिया हो, तो सपोज दैट ये थीटा ले लिए, दिस इज थीटा, तो यहां से आप अगर निकालें तो cos थीटा अगर हम यहां से लेते हैं, सपोज दैट इस ट्रायंगल में ये आप O पॉइंट ले ले, इस पॉइंट को हम, लेट्स दिस पॉइंट इज P एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज M, तो अगर हम देखें ट्रायंगल, ट्रायंगल O, O P, ओ पी और एम में, ट्रेंगल ओ पी और एम में अगर हम क्या ले लें, सिंपली कॉस थीटा ले लें, कॉस थीटा क्यों, क्योंकि अगर हमको ये चाहिए था, हमको कॉस थीटा इसलिए क्योंकि हमको ये पता करना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा, तो हमको दो चीज पता है, एक तो आपको कैपिटल आर पता है और स्मॉल आर, तो इसीलिए हम कॉस थीटा लिए, साइन थीटा नहीं, क्योंकि साइन थीटा के लिए ये वाला हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, थीटा का सामने का परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है और इसके सामने का ये हाइपोटेनस बेस, तो बेस और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशन हमें पता है कि एक आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू अगर इस ट्रायंगल में लेते हैं तो बेस, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस यहां पे क्या हो जाएगा, तो बेस ये आर है और हाइपोटेनस आपका क्या है, रेडियस, सो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो यहां से अगर हम देखें तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या गिवन है, 3R/5 डिवाइडेड बाय आर, तो R का वैल्यू हम क्या रख दिए, 3R/5, सो R से R कैंसिल, सो यू विल गेट दैट इज 3/5, तो cos थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया,
3 by 5. If cos theta is 3 by 5, so theta that is equal to 37 degree. नहीं, ये आपका 53 हो जाएगा. और अगर यही साइन थीटा 3 बाई 5 आता तो सिंपली बात है कि वो 37 होता है. सो थीटा का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 53 हो जाएगा. तो थीटा आपका आ गया, सो थीटा दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री. तो क्या इस केस में फाई का वैल्यू जीरो होगा, यानी फ्लक्स जो कि आपका गिवन है कि फ्लक्स इसमें जीरो होगा. तो अब देखते हैं फ्लक्स के लिए हम क्या करते हैं. तो चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. तो इनसाइड इसके अंदर चार्ज कितना है, तो इसके अंदर चार्ज आपको दिखेगा कि सारा तो इसके सरफेस पे आ जाएगा. आपको गिवन है कि चार्ज जो है वो उसके सरफेस पे है और ये जो है एक स्फेरिकल सेल है, तो इसके अंदर तो चार्ज नहीं आएगा. तो अगर इनक्लोज्ड चार्ज जीरो है, सो इनक्लोज्ड चार्ज यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. सो दैट इज यहां पे फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि चार्ज जो है उसके सरफेस पे है. ये आपका स्फेरिकल सेल है, शेल है. तो सेल पे हम चार्ज दिए और चार्ज उसके सरफेस पे है, तो चार्ज उसके अंदर नहीं है. तो इस बार सिलेंडर अंदर है. तो ये बी वाला ऑप्शन आपको कह रहा है. सो बी इज राइट वन इफ आर का वैल्यू ये हो गया और थीटा का वैल्यू यहां से आपका क्या आ गया, सो थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 53 डिग्री. तो ये आपका आ गया. अब हम इसके लास्ट वाले पॉइंट पर, और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो एक एक करके. सो दिस इज प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ एज वेल एज थोड़ा सा इसमें कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री का यूज है. तो पार्ट आपका बहुत इजी था. अब हम इसके आते हैं मेन पार्ट. तो इस बार क्या है, हाइट. इस बार हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपका इस कुछ इस टाइप से बन रहा है. अब फिर इस बार थीटा हम निकालने का कोशिश करेंगे. तो ये स्मॉल आर और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये आपका हाइट. हाइट क्या है, तो ये आपका हाइट जो है h, ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर. तो ये आपको ये गिवन है. और इस बार थीटा हम ये लेते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा. तो ये आपका बाकी जो ऑप्शन बाकी जो बचे हैं, तो b और c को तो हम वेरीफाई किए. अब a और d को देखते हैं. तो a कह रहा है कि हाइट h इज ग्रेटर देन 2r, जो कि आपको दिख रहा है कि जो हाइट है, तो ये अगर r है तो r क्या है, कैपिटल r जो है. सो कैपिटल r इज रेडियस ऑफ द शेल. तो सिंपल सा बात है कि ये वाला सिचुएशन तो अकर कर रहा है. तो ये अगर a और d में देखें तो दोनों में हाइट जो है उसके रेडियस यानी उसके डायमीटर से ज्यादा है, जो कि आपको दिख रहा है, यानी कि इस सिचुएशन को ये फॉलो कर रहा है. उसके बाद क्या कह रहा है कि r इज ग्रेटर देन यानी कि स्मॉल r. तो सिंपल सा बात है, स्मॉल r ये है आपका रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और ये कैपिटल r क्या है, रेडियस ऑफ शेल जो कि यहां पर गिवन है. तो इसके बीच में अगर हम थीटा का वैल्यू ले, सो थीटा का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको क्या गिवन है. तो अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं तो आर इज ग्रेटर देन 4r/3. तो यहां से इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ आर, और ये आपका क्या है, ये रेडियस है. तो ये अगर थीटा का वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो फिर वापस से हम क्या लेंगे, तो आपको ये पता है और ये पता है, तो क्या लेंगे, ये आपका कुछ ऐसा समझिए कि थीटा अगर ये हम लिए हैं और यहां पे हम कॉस थीटा फिर लें, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. आपको क्या क्या पता है, अब यहां पे इस ट्रायंगल में आप ऐसा समझिए ये आपका कुछ ऐसा है. तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज डेट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को एम ले लिए और इस पॉइंट को सपोज डेट टी ले लिए, दिस इज टी. सो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां पे फिर हम थीटा का वैल्यू लेंगे. तो इसको आप ऐसा समझिए, इस ट्रायंगल को अगर हम जूम करें तो कुछ ऐसा है, ये इसका हाइट है और हमको इस बार ये थीटा निकालना है. तो आपको क्या क्या दिया हुआ है कि
इसका हाइट जो है इसके रेडियस से डबल होगा, तो ये दोनों में सिचुएशन है। और एक सिचुएशन ये दिया हुआ है कि आर का वैल्यू ये है, और एक सिचुएशन ये दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम ले तो इस ट्रेंगल को, इस बार हम इसे थीटा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला किसी को लीजिए वैल्यू वही आएगा। तो इसको हम जूम कर लेते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाए। तो इस ट्रेंगल को अगर हम जूम करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपका क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ शेल, और यहां से हम क्या किए हैं, इसको हम कुछ ऐसा कर लिए हैं, ये आपका आ गया ट्रेंगल। तो इसको अगर हम बड़ा बनाए तो क्या होगा, ये आपका कुछ ऐसा, और ये आपका रेडियस, और ये आप इसको मैच कर लें, तो ये आपका रेडियस हो गया। और ये इस बार इसको थीटा ले लिए, ये थीटा है, आप किसी को भी ले सकते हैं। और ये आपका दिया हुआ है, ये आपका स्मॉल आर है, ये आपका स्मॉल आर है, तो ये आपका स्मॉल आर आ जाएगा। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन, तो आप ले लीजिए, ये आपका कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। तो अगर सपोज दैट थीटा, इसी को हम ले लेते हैं, सपोज दैट थीटा हम इसी को ले लेते हैं, तो इसमें हम क्या लेंगे, वही जो पहले से लिए थे, कॉस थीटा, क्योंकि हमको इसके उसके बीच में रिलेशन चाहिए। तो कॉस थीटा बेस, अब ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका 90 डिग्री का सामने का हाइपोटेनस, और ये बेस यानी आर बाय कैपिटल आर। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा, आपको क्या दिया हुआ है, 4r/5, आर का वैल्यू आर दैट इज इक्वल टू 4r/5, और उससे कह रहा है कि ज्यादा हो। अभी हम उस पॉइंट पे आते हैं 4r/5 पे, सो दैट इज 4r/5 डिवाइडेड बाय आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, 4/5 कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू, कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया, 4r/5। तो इसको, इसका फिगर अगर यहां से हम बनाए तो कुछ ऐसा आएगा, और हम ये ले लिए, ये आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, ये आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि आपको ये दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम इसमें, ये आपका थीटा है, तो यहां से हम कॉस थीटा ले लिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, सिंपल सा बात है, ये आपका 90 डिग्री है, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 आ गया। अब क्या कह रहा है कि इससे ज्यादा हो, तो इससे ज्यादा हो तो थीटा क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा होना चाहिए, तब इसका जो फाई का वैल्यू होगा वो q/3 ε0 होगा, तब इसके अंदर कितना चार्ज होगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम आए तो यहां से हम देखें कि चार्ज जब ये टोटल हो, टोटल चार्ज इस पे प्लस क्यू जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमको क्या चाहिए, चार्ज इनक्लोज्ड, तो इनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा, तो टोटल क्यू चार्ज है और इतना चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब कि हमको इनक्लोज्ड चार्ज चाहिए, तो इनक्लोज्ड चार्ज अगर हमको निकालना है तो इतना वाले पार्ट पे कितना चार्ज होगा, तो क्यू 1 - 4/5, तो इतना चार्ज बचेगा, टोटल क्यू चार्ज जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, और थीटा कितना ले लिए, और थीटा ये अगर 4/5 है, यानी कि ये आप समझ लीजिए 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ, तो 53 वर्टिकल के साथ, तो ये आपका क्या आ गया, थीटा का वैल्यू, और थीटा क्या आ गया, 53 डिग्री, और वो भी हॉरिजेंटल के साथ। इससे अगर बड़ा हो, तो हम जब भी बड़ा वाला सिचुएशन हो तो हम इक्वल साइन ले लेते हैं, कि अगर ये मतलब थीटा 70 डिग्री हो तो क्या होगा, तो हमको तो चार्ज निकालना है, तो चार्ज, टोटल चार्ज अगर क्यू है, तो अब चार्ज ये घट के 1 - 4/5 आ जाएगा, क्योंकि इस पे जो चार्ज है, जितना एंगल है तो उतना ही प्रोपोर्शनल, और आपको कह रहा है कि इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो ये आपका टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, क्यू 1 - 4/5, और इसको एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, क्यू ये आपका 1/5 आ जाएगा, सो 1/5 एप्सिलॉन। तो यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि एच इज ग्रेटर देन 2r जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, और इससे अगर ज्यादा हो तो वैल्यू फाई का ये आएगा। सो इक्वल हो तब तो ये आ जाएगा, और यहां पे आपका एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अगर r ये हो, आर का वैल्यू, तो थीटा कितना हो जाएगा,
तो सिंपल सा बात है, इसके केस में अगर हम बात करें इसके केस में कि आर का वैल्यू दोनों सिचुएशन ए और डी सेम है, तो यहां से अगर हम देखें तो 1 माइनस आर, तो यहां से अगर कॉस थीटा का वैल्यू हम निकालें तो कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 3/5। तो 1 माइनस 3/5 अगर हम यहां से यूज करते, तो ए और डी दोनों वाले सिचुएशन में अगर हम देखें तो थीटा किससे हम ले लें, या वर्टिकल से ले लें, और इससे ज्यादा कह रहा है कि इससे इक्वल अगर होता तो ये आपका ऑप्शन आ सकता था, लेकिन इक्वल नहीं है, आर इज ग्रेटर देन वाला सिचुएशन है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं आएगा। सो ए, और अगर ए ऑप्शन हम देखें आर इज इक्वल टू 3R/5, तो इसमें क्या वैल्यू आएगा, तो यहां से अगर इक्वल टू का वैल्यू अगर हम ले, इक्वल टू का वैल्यू होता तो डी हो जाता, और ये आपका फिर ए भी आपका हो जाएगा। सो ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी इज राइट ऑप्शन, यानी कि इलाहाबाद, बॉम्बे और कैलकाटा इज राइट ऑन दिस ऑप्शन। सो विच इज